फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके एंटरटेनमेंट और ट्री की जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइबर वाला बटन दबाइए और सामने वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले यूज़फुल जो वीडियोज़ हैं आगे आने वाले, उनके नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलते रहें। और इस वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड के बारे में आपको जो ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर एक है, राज्य द्वारा पर्यटन वर्ष के रूप में बनाया गया, तो ये मनाया गया था 2001 को, यानी पर्यटन वर्ष 2001 को मनाया गया। नेक्स्ट है दो, राज्य गठन के बाद पर्यटन को दिया गया, तो पर्यटन को दिया गया उद्योग का दर्जा, यानी राज्य गठन के बाद पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है तीन, बद्रिका आश्रम के निकट स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है, तो ये प्रतीक है अर्जुन व विष्णु के, यानी नर और नारायण जो पर्वत है। नंबर तीन है, अलकापुरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बद्रिका आश्रम के पास सरस्वती के उद्गम क्षेत्र को, यानी जो बद्रिका आश्रम के पास सरस्वती का उद्गम क्षेत्र है उसे अलकापुरी कहा जाता है। पाँच है, शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की, तो ये की थी जोशीमठ में, यानी जो पूर्णागिरि पीठ है वो जोशीमठ में, और इसकी जो स्थापना की थी वो शंकराचार्य ने। नंबर छः है, हेमकुंड साहिब कितने पर्वतों से घिरा है, तो घिरा है सात हिमाच्छादित पर्वतों से। साथ है, नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड है, तो यह है रूप कुंड। नंबर आठ है, बद्री विशाल के माता की मूर्ति व घंटाकर्ण मंदिर स्थित है, तो स्थित है माड़ा गांव में, यानी घंटाकर्ण मंदिर और बद्री विशाल की माता की मूर्ति। नौ है, ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है, तो यह है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। दस है, स्कंद मुचकुंद गरुण तथा राम गुफा ये कहाँ स्थित हैं, तो ये हैं बद्रीनाथ के पास चमोली में, यानी बद्रीनाथ के पास हैं, और ये बद्रीनाथ कहाँ पे है, चमोली में। नेक्स्ट है इलेवन, ब्यास व गणेश गुफाएं स्थित हैं, तो ये हैं माड़ा गांव के पास, और ये माड़ा गांव कहाँ पे है, चमोली में, और फ्रेंड्स ये चमोली का अंतिम गांव भी है। नेक्स्ट है, मतंग व सुरंगी गुफाएं हैं, तो यह है उत्तरकाशी में, मतंग व सुरंगी गुफाएं उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, भीम ब्रह्म तथा कोटेश्वर गुफाएं हैं, तो यह है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है 14, वशिष्ठ व शंकर गुफाएं स्थित हैं, तो यह है टिहरी में, यानी वशिष्ठ व शंकर गुफाएं टिहरी में स्थित हैं। नेक्स्ट है 15, नैनी झील घिरी है, ये घिरी है सात पहाड़ियों से, यानी नैनी झील सात पहाड़ियों से घिरी है। 16 है, नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है नैना पीक, यानी नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक है। नेक्स्ट है 17, पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह है भुवाली, और ये भुवाली कहाँ है, नैनीताल में, यानी जो पर्वतीय फल बाजार है इसके रूप में भुवाली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 18, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ढिकाला को। ये इस प्रकार से भी आ सकता है कि ढिकाला को किस कॉर्बेट पार्क का मतलब प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो किसका, कॉर्बेट नेशनल पार्क का। नेक्स्ट है, ब्राइट एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो ये है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, विविध फलों के लिए प्रसिद्ध है जालना, और ये जालना कहाँ पर, अल्मोड़ा में, यानी विविध प्रकार के जो फलों के लिए प्रसिद्ध है वो जालना अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 21, जटा गंगा के किनारे 124 मंदिर समूह वाला स्थान है, तो ये कहाँ है, जागेश्वर में, और ये जागेश्वर है अल्मोड़ा में, यानी 124 जो मंदिरों का समूह, इसे मंदिरों का समूह भी बोला जाता है जागेश्वर को। नेक्स्ट, फलोद्यान के देश के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चौबटिया, और चौबटिया स्थित है अल्मोड़ा में, यानी इसे फलोद्यान के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ बसा है, तो ये बसा है सोर घाटी में, यानी पिथौरागढ़ सोर घाटी में बसा है। नेक्स्ट है 24, लंदन फोर्ट किला स्थित है, तो स्थित है पिथौरागढ़ में, यानी लंदन फोर्ट किला पिथौरागढ़ में स्थित है। 25 है, जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुनस्यारी,
यानी जोहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 26, पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आदि कैलाश या छोटा कैलाश, आदि या छोटा कैलाश कहा जाता है जो पिथौरागढ़ का ओम पर्वत है। नेक्स्ट 27, प्रसिद्ध महाकाली मंदिर स्थित है, तो यह है गंगोली हाट में, यानी महाकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है, गंगोली हाट में। नेक्स्ट है 28, मुनस्यारी व धारचूला में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है छिपला केदार को, यानी ये स्थित है मुनस्यारी और धारचूला में जाना जाता है छिपला केदार के नाम से। बिल्व व नील पर्वत के बीच बसा है, तो ये बसा है हरिद्वार, यानी शिवालिक श्रेणी के हैं बिल्व नील पर्वत, इनके बीच हरिद्वार बसा है। नेक्स्ट हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माता, तो ये है राजा विक्रमादित्य। देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने अपने भाई की याद में यानी भर्तृहरि की याद में बनवाई थी, जिन्होंने यहाँ पर हरिद्वार में तपस्या की थी शिवालिक श्रेणी में, और उन्होंने दो शतक भी लिखे थे, नीति शतक और वैराग्य शतक। नेक्स्ट 31, हरिद्वार की अधिष्ठानी देवी है, यानी हरिद्वार की अधिष्ठानी देवी है माया देवी। और फ्रेंड्स देखिए, माया देवी का मंदिर जो है हरिद्वार के बिल्कुल मध्य में स्थित है। नेक्स्ट 32, दून घाटी का प्राचीन नाम है, तो यह है द्रोण घाटी, यानी दून घाटी का जो प्राचीन नाम है वो द्रोण घाटी है। नेक्स्ट 33, मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता, तो ये कहा जाता है लाखा मंडल को, और ये लाखा मंडल स्थित है देहरादून में, यानी इसे मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रसिद्ध रोबस गुफाएं स्थित है, तो ये स्थित है गुच्चू पानी में, और गुच्चू पानी है देहरादून में, यानी जो रोबस गुफाएं वो गुच्चू पानी में स्थित है। 35 है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है गनहिल पहाड़ी, यानी मसूरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गनहिल पहाड़ी है। नेक्स्ट है 36, राम व लक्ष्मण झूला पुल जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं देहरादून व पौड़ी जिले को, यानी राम व लक्ष्मण पुल देहरादून व पौड़ी जिले को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, जौनसारी लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये हनोल, और हनोल स्थित है देहरादून में। जौनसारी लोग होते हैं फ्रेंड्स, इनका सबसे बड़ा तीर्थ हनोल में है। नेक्स्ट है, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, तो ये खुलते हैं अक्षय तृतीया को। और देखिए फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया को वैशाख शुल्क तृतीया भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, अक्षय तृतीया वैशाख शुल्क तृतीया। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो ये है तुंगनाथ का मंदिर, और तुंगनाथ है रुद्रप्रयाग। 40 है, कालिदास की जन्म स्थली मानी जाती है, तो ये मानी जाती है कविल्टा, और ये कविल्टा कहाँ है, रुद्रप्रयाग में कालीमठ के पास, यानी कविल्टा एक जगह है। 41 है, देवप्रयाग का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है, तो यह द्रविड़ शैली में, यानी द्रविड़ शैली में बना हुआ है देवप्रयाग का जो प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है। 42 है, श्रीनगर बसा है, तो ये बसा है कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर, यानी श्रीनगर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है। 43 है, 1894 में गोना झील टूटने से अधिक हानि हुई थी, तो हुई थी श्रीनगर को, यानी 1894 में जो गोना झील टूटी थी, इससे जो हानि हुई थी वो श्रीनगर को सबसे ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कालेश्वर कमलेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह है पौड़ी में, यानी जो कमलेश्वर मंदिर है वो पौड़ी में स्थित है। 45 है, शंभू निशंभू पर्वतों के पास नीलकंठ महादेव मंदिर के, शंभू निशंभू पर्वतों के पास क्या स्थित है, ये फ्रेंड्स नीलकंठ महादेव मंदिर, और ये कहाँ पे है, पौड़ी में। 46 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रेंड्स स्थित है पौड़ी में, यानी खिरसू पौड़ी में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये किस जगह है या ये मंदिर कहाँ पे है, तो देखिए नेक्स्ट है, भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है, तो ये बसा है बागेश्वर, भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच। 48 है, अनाशक्ति व लक्ष्मी आश्रम स्थित है, तो यह है कौसानी में, कौसानी कहाँ पे, बागेश्वर में। नेक्स्ट है 49, मंदिरों का समूह बैजनाथ स्थित है, तो यह बागेश्वर में, यानी मंदिरों का समूह कहाँ पे है, बागेश्वर बैजनाथ। 50 है, प्रसिद्ध बालेश्वर व क्रांतेश्वर मंदिर तथा एक हत्या नोला स्थित है, तो यह है चंपावत में, कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, चंपा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको डायरेक्टली मिलते रहें।